हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव गिटार एकेडमी। और आज जो अपन सॉन्ग करने वाले हैं वो है रिक्वेस्टेड बाय ऋषभ। सॉन्ग का नाम है कपकेक बाय मोहित गौर। तो मैं इस सॉन्ग को आपको रटवाने के बजाय ये बताने वाला हूँ कि एक सॉन्ग को निकालने का मेरा प्रोसेस क्या होता है, मतलब मैं जो भी करता हूँ उस टाइम पर वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सॉन्ग सुनूंगा, क्योंकि मैंने सॉन्ग सुना हुआ नहीं है। लड़की थी जिस पे क्रश करता था, देख ब्लश करता था, और क्या करूं, नाम उसका था आयुष, डर लगता था, सहमा रश करता था कि क्या कहूं। फिर उससे बात होने लगी तो दिल दीवाना होने लगा, बढ़ रही थी दोस्ती और बस यूं ही हंसी खुशी मैं उसको कहने लगा। रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आभास तू। रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आभास तू। जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो। ओके, तो सॉन्ग का मैंने आइडिया ले लिया है कि सॉन्ग कैसे कैसे चलने वाला है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस सॉन्ग की की निकालूँगा। तो मैं गिटार पे निकालने के बजाय मेरा गिटार वहाँ टंगा होता है, तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ, मेरे साथ में पियानो रहता है जब भी मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा होता हूँ या कुछ गाने सुन रहा होता हूँ। यहाँ पे निकालना मेरे लिए बहुत ईजी रहता है क्योंकि गिटार वहाँ से उठाना पड़ता है इसको। तो सबसे पहले इसकी की निकालने वाला हूँ मैं। ओके, तो सॉन्ग की है जी, वो मैंने कैसे निकाला है। सॉन्ग को सुनकर एक नोट आपको ऐसा सुनाई देगा जो पूरे सॉन्ग में अगर वो सस्टेन करता रहे तो पूरे सॉन्ग के साथ में मैच हो जाएगा। तो ये मेरा तरीका होता है की निकालने का, बाकी की निकालने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मुझे ये पता है। की निकालने के बाद में मुझे पता है कि अगर सिंपल सा सॉन्ग है तो इसमें कॉर्ड फैमिली में से ही कॉर्ड्स यूज होने वाले हैं। कॉर्ड फैमिली अगर आपको नहीं पता है क्या होती है तो मुझे ज़रूर बता देना। आपको वैसे तो YouTube पर लेसन मिल जाएगा कहीं पर भी, पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं एक अलग से YouTube वीडियो बना दूंगा। तो जब मुझे इसका की पता पड़ गया तो मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स इतने साफ क्लियर सुनाई नहीं दे रहे, हो सकता है मैं शायद हेडफोन्स पे सुन रहा हूँ, इसलिए तो मैं दो तीन और सुनूंगा। और मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इसका जो लाइव वर्जन है वो मैं सुनूँ, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडियो वाले इंस्ट्रूमेंट्स है वो अपना फिल्टर हो जाते हैं, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट आपको साफ साफ सुनाई देगा। तो इसलिए अभी मैं इसका कोई भी लाइव वर्जन या फिर अगर कोई कवर वर्जन है तो मैं वो ढूंढने वाला हूँ। तो इस सॉन्ग के मुझे कवर तो नहीं मिल रहे हैं पर एक लाइव जरूर मिला है, तो मैं इसको सुनने वाला हूँ। तो
लाइव वर्जन सुनते ही मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि एक तो देखो मैं आलसी हूँ तो मुझे कॉर्ड्स निकालने में बहुत ज़ोर आता है, तो लाइव वर्जन देखते ही मेरा काम बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को सब कुछ फिल्टर किया हुआ मिल जाता है। जैसे इस सॉन्ग में अगर आप देखोगे तो आपको बेस लाइन प्रॉपर सुनाई देगी, किस तरीके से तो ये प्रोग्रेशन चल रहा है, तो इसमें अभी मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि इसके मेरे को हाई नोट्स और सुनाई दे जाएं, तो मेरा पूरा कॉर्ड निकल जाएगा। मली सी रेशमी सी आवाज तू, रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू मखमल। तो यह जो सुन रहा है मुझे, इसमें पैडल नोट्स यूज करे हुए हैं। पैडल नोट्स क्या होते हैं कि आपका बेस चेंज होता रहता है पर कॉर्ड में जो लास्ट नोट बज रहे हैं वो सेम है, मतलब जैसे ये चला टंग टंग, इसमें एक पैडल नोट है जो इस बेस लाइन के साथ में चलता जा रहा है। दिस जी एंड डी, जी एंड डी को पैडल नोट में क्यों यूज करा है, क्योंकि ज्यादातर पैडल नोट्स फिफ्थ यूज होते हैं, मतलब जैसे जी की है तो जी की में जी एंड डी, मतलब जी फर्स्ट है एंड डी फिफ्थ है, तो फिफ्थ को मोस्टली पैटर्न नोट बना देते हैं। फिफ्थ एंड फर्स्ट में से किसी को भी यहाँ पे मुझे दोनों सुनाई दे रहे हैं, इस तरीके से कुछ सुनाई दे रहा है, ये दोनों साथ में चल रहे हैं, उनको बोलते हैं पैटर्न नोट्स। अब इसको आगे सुनने वाला हूं मैं। जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रैक है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट 40 सेकंड्स तक सेम चीज बज रही है। दिस आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, मतलब जो पैटर्न है एक्चुअल में वो किसी भी तरीके से बजा सकते हो आप, मैं ये बजा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, बेस लाइन जैसे बज रही थी वैसे वैसे बजाते जा रहा हूं, टंग टंग टंग, और जो मेरी बाकी दो फिंगर है थर्ड एंड सेकंड, इनसे मैं पैडल नोट्स बजा रहा हूं। तो आप बीट्स के बीच में एक्स्ट्रा नोट्स भी बजा सकते हो इस तरीके से। तो इससे थोड़ा सा भरा हुआ दिखेगा, पर ये आप सॉन्ग के बाद में भी कर सकते हो, जब कोरस के बाद में नेक्स्ट वर्स आने वाला हो तो लगेगा कि ओके कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग से ही बजाते रहोगे और वर्स एक्चुअल में जो कोरस है वो खत्म होने के बाद में भी अगर आप वापस से यही बजाते रहोगे, तो फर्स्ट वाला वर्स सेकंड वाले वर्स से अलग नहीं दिखेगा, इसलिए कोशिश करो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल रखो। मैं ऑफ की गा रहा हूँ क्या, तो 40 सेकंड्स के जो बाद में आ रहा है एक बार मैं वो सुन लेता हूं, फिर उसके कॉर्ड्स बताऊंगा मैं कैसे निकाल रहा हूं। कहले कुछ भी तो मेरा, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रैक है, अब हो कहती जिंदगी में आया कैसा क्रैक है, कहले कुछ भी तो मेरा। अगेन मैं बेस नोट्स पे ध्यान देने वाला हूं केवल केवल।
ओके, तो मैंने वापस से बेस लाइन को फॉलो करा है। बेस लाइन में जो फर्स्ट नोट था वो था ए, और मुझे पता है अगर जी के बाद में ए का कोई वर्जन लगता है तो वो होता है ए माइनर। एंड यहाँ पे मुझे ए माइनर के बजाय ए माइनर 7 साउंड कर रहा है इधर जो भी बज रहा है। क्यों? क्योंकि इधर जो भी बजा रहे हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा जैज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे बेस ए मिला तो मैंने क्या करा, ए माइनर का लगाकर उसको 7 बना दिया है। फिर उसके बाद में अगेन पैडल नोट आते हैं डी पर, क्यों? क्योंकि मुझे डी बेस मिला इधर जो बजा रहे हैं, इसलिए मैं डी का ही वर्जन बजा रहा हूँ पैडल नोट में। ओके, ए माइनर एंड डी के बाद में जो नेक्स्ट कॉर्ड आपको सुनने को मिलेगा वो है D7, जो इस तरीके से बनने वाला है। तो ये मैंने कैसे निकाला है, तो ये सबसे पहले आपको ऐसा साउंड करेगा कि यहाँ पे एंड होने वाला है कुछ भी। तो जब भी कुछ एंड होने वाला होता है किसी फ्रेज में, किसी सॉन्ग के फ्रेज में, तो वहाँ पे अपन मोस्टली फिफ्थ कॉर्ड लगाते हैं। तो डी का फिफ्थ कॉर्ड है, सॉरी जी का फिफ्थ कॉर्ड है डी, एंड ऑब्वियसली वो थोड़ा सेवन्थ जैसा साउंड कर रहा है। तो D7, तो कॉर्ड्स क्या हुए, और इसके बाद में उधर ऐसा कुछ लग नहीं रहा ये बजाया है, पर मैं जब भी वो सुन रहा हूँ मुझे कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि ये बज जाए तो कितना मजा आ जाए। ओके, तो ये कुछ खास नहीं है, बस एक बेस लाइन है। इट्स एक्चुअली अ टर्न अराउंड जहाँ पे अपन कॉर्ड पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेकेंड से थर्ड पे हैमर पुल ऑफ, ये उधर नहीं है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बात, जब भी वो सुनता हूँ तो मेरी ये बेस लाइन बार बार दिमाग में आ रही है। खैर तो अभी ये कुछ ऐसा साउंड करने वाला है। तो अगर मैं इसको सॉन्ग के साथ में बजाऊं तो कुछ कुछ ऐसा साउंड करेगा ये। ओके, तो नेक्स्ट वर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, मुझे कुछ अलग सुनाई नहीं दे रहा तो मैं इसलिए सेम बजा रहा हूँ। कुछ भी तो मेरा कप के। ओके, तो इतना सुनने के बाद में मुझे एक चीज समझ में आई है, वो ये है यस, तो इसको बार बार सुनने के बाद में मुझे एक चीज समझ में आई है, जो पहले वाला डी था, डी मेजर सेवन, वो वापस बज रहा है तब डी 7 नहीं है, वो है
D9, क्योंकि उधर आपको ये ई नोट बहुत ही इजीली सुनाई दे जाएगा। सी कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है कहले कुछ भी तो मेरा पम पम, उधर आपको ये ई नोट बहुत ही इजीली सुनाई दे जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉर्ड था अपन क्या बजा रहे थे, डी बजा रहे थे राइट, पर इस बार डी नहीं था, डी माइनस सेवन बजा कर नाइन्थ की जी की तरफ लेके गए थे, जी नाइन्थ नहीं है सॉरी। तो इस वाले डी में क्या करा हुआ है, अपन पहले डी मेजर बजा रहे थे राइट, डी मेजर में अपन ने जी ऐड करा हुआ था विच इज डी सस्पेंडेड 4, एंड अभी क्या हो रहा है डी माइनस 7 बजा रहे हैं ये लोग और उसके बाद में जी नोट यूज कर रहे हैं। तो आप लोग को बताना है कि ये जी ऐड करने के बाद में ये कॉर्ड कौन सा बन चुका है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आप खुद से बताओगे मुझे। तो अभी ये साउंड कैसा करने वाला है जब सेकंड टाइम पे प्री कोरस आता है, इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ 2-5 अगेन पीछे वाला, इस तरीके से साउंड करने वाला है। अभी मैं एक बार आगे और सुन लेता हूँ, आगे कुछ अलग तो नहीं है। जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चक्के देख ले ये कैसा राज है, जब से तू ओके यहाँ पर कुछ अलग है, एक बार वापस से सुनता हूँ मैं। जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चक्के देख ले ये कैसा राज है। ओके अगेन मैं केवल बेस नोट्स है उनको फॉलो करने वाला हूँ। ओके तो मैंने जब बेस लाइन को फॉलो करा है तो वहां पे मुझे मिला है A-7 एंड डी मेजर। तो ये इस तरीके साउंड करेगा, एक बार सॉन्ग के साथ में बजा के बताता हूँ। जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चक्के देख ले ये कैसा राज है, जब से तू आई है मेरे साथ में उल्टा साला सीधा हर हिसाब है। तो ये इस तरीके से साउंड करने वाला है, आगे एक बार और सुन लेते हैं। ओके तो ये हो चुका है पूरा सॉन्ग, मैंने एक बार सुन लिया है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा था नहीं। ओके तो इस सॉन्ग के मैं आपको टैब्स प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो का मेरा मोटो ये था कि आप खुद से सॉन्ग्स निकाल पाओ, पर अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो मेरे को ज़रूर बताओ कि मैं और क्या ऐड करूँ। वैसे मेरा पूरा प्रोसेस यही था, पर अगर आपको किसी एक चीज़ के डिटेल में जाना है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। वैसे YouTube पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, पर फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं ज़रूर बना के दूंगा आपको एक ट्यूटोरियल। एंड अभी आप एक काम करोगे, आपका फ़ोन का स्क्रीन उल्टा रखो क्योंकि मैं सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ, एंड अगर आपको डायरेक्ट सॉन्ग से सुन के नहीं समझ में आता है तो कम से कम मेरा गिटार सुनकर आप निकालने की कोशिश करो, क्योंकि इधर आपको
केवल गिटार सुनाई देने वाला है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स गायब हैं, तो कम से कम एक बार आप वहाँ से तो नोट्स निकालने की कोशिश कर सको। तो अभी आप फ़ोन उल्टा रखने वाले हो, 3, 2, 1, 3, 2, 1। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Do 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 do